वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मिर्जापुर बोनस एपिसोड मुन्ना भाई के नाम पे मार्केट कर रहे हो यार। एक्सेल स्टूडियोज और ये जो राइटर है मिर्जापुर के, भाई तुम क्या करते हो यार, इतनी हाइप क्रिएट कर दी है, पता नहीं लोगों ने क्या क्या थ्योरियां बना ली। मुझे भी लगा कि भाई सीजन 4 ने आना है, तो सीजन 4 के आने से पहले ना थोड़ा मुन्ना भाई को ले आएंगे, शायद कुछ अब ये स्टोरी का प्लॉट चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर घुमा के मुन्ना भाई आएगा, शायद इंटरेस्टिंग हो जाएगा सीजन 4। और उसके लिए हम यहाँ पे बेस थोड़ा सा 20-25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट जो भी बोनस एपिसोड में दिखा देंगे। और आपने मार्केट भी ऐसे किया, दिखा कह रहे हो आप, फिर काट दिया हमारा यार, दिखा कह रहे हो डिलीटेड सीन्स। और भाई जो सीन्स तुमने डाले थे वो तो हमने देखे नहीं, तो डिलीटेड देख के क्या करेंगे। देखिए मैंने 25-30 मिनट की एक वही सीन, एक तो गोलू करेक्टर यार इतना इरिटेटिंग, भाई मैं सच बता रहा हूं, फर्स्ट सीजन में गोलू का रोल सही था जब वो इलेक्शन उलूक्शन के चक्करों में पड़ी हुई थी और साथ में थी गुड्डू के। अरे यार वो क्या लगती है नाटी सी, हाथ में पिस्तौल उसके जच नहीं रही, कॉस्ट्यूम उस पर जचता नहीं है, बोली पान उससे खिलवाते रहते हो, पान खाने से क्या हो जाता है, आपको क्या लगता है पान खाने से वो यूपी का और मिर्जापुर का टच आ गया और गुंडा बन गया कोई? भाई सच में हटा दो इस करेक्टर को सीजन 4 से, सबसे ज्यादा पैथेटिक और इरिटेटिंग करेक्टर। और आपने मार्केट क्यों किया इस तरीके से कि आप मुन्ना को बीच में ला रहे हो और मुन्ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना हाइप बना देते हो। अरे डिलीटेड सीन्स करके दुनिया नहीं कर रही भाई, कुछ काम नॉर्मल भी कर लिया करो। वैसे ही मिर्जापुर सीजन 2 के बाद जो आपका आया है सीजन 3, वैसे ही भाई लोग इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। ये तो आप बार बार लॉयल्टी की जो बात करते हो ना, लॉयल्टी लॉयल्टी, इसको चुन लो उसको, भाई लॉयल आपके फैंस हैं जो फिर भी मिर्जापुर को दे देते हैं व्यूअरशिप, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ सीजन 3 जो आपने बनाया बिल्कुल झंड है भाई, वो सिर्फ सीजन 1 और सीजन 2 का एक थोड़ा फ्लेवर दे रहा था, चलो बोनस एपिसोड से था भाई, एक्साइटेड थे लोग मुन्ना आएगा ये होगा, मुन्ना की है फैन फॉलोइंग, कुछ मर्जी करते रहो, मुन्ना को आप हटा नहीं सकते। सीजन 3 में तो आपने मुन्ना भैया के पिताजी को भी गायब कर दिया लास्ट में, वो टंग 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 बैकग्राउंड बजा के, आपको लगता है बैकग्राउंड बजा के सब कुछ पूरी वेब सीरीज खत्म कर देंगे, भाई ऐसे थोड़ी होता है। डिसअपॉइंटिंग, और सबसे बड़ी बात है इनकी मार्केट गलत है, ये मार्केटिंग ही गलत है। हमने तो कुछ कहा नहीं था, किसी ऑडियंस ने किसी पब्लिक ने आपको कुछ कहा मुन्ना भैया को बीच में डाल के आप बोनस एपिसोड निकालो, आप कहानी बता रहे हो यार डिलीटेड सीन्स क्या हुआ सीजन 3 में क्या हुआ, वो मेरा वहां हो गया मेरे, यार मुन्ना को लाने का एक, और आपने एक तो जला हुआ था उस पर नमक छिड़क दिया यहाँ पे लोगों को लगा है कि भाई मुन्ना भी आएंगे, फिर आपने उसको पीछे कमेंट्री चलाई, फिर जी हम तो टपक गए, पहला सीन मैंने देखा ना हम तो टपक गए, मैंने कहा थोड़ा सा हो सकता है कुछ बाद में होगा, ऐसे मत करो भाई। और सीजन 4 अगर लाना है तो तमीज से लाओ, पंचायत वाले राइटर से देख लो, 19-20 चलता रहता है कि पहला अच्छा दूसरा अच्छा, ऐसा नहीं होता पहला बहुत अच्छा दूसरा बेकार तीसरा बिल्कुल ही रद्दड़, कोई व्यूअर्स कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पहले के इतने मीम्स बनते थे इतने डायलॉग थे, हम दोस्त यार आपस में बात करते हैं आज भी, चाचा वाले हो या कोई भी डायलॉग हो आपस में बात करते हैं उनका रेफरेंस लेते हैं, यहां कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, टोटल डिसअपॉइंटिंग। फोर्थ सीजन में फिर बोल रहा हूं एक्सेल वाले प्राइम वाले भाई अच्छे से राइटिंग करके, गुरमीत सिंह जो भी हैं इनके जो राइटर डायरेक्टर हैं क्रिएटर, अच्छे से आना प्रॉपर मिर्जापुर, चौथा ले आओ, मुझे तो लगता नहीं चौथा ही बनना चाहिए, स्टोरी लायक है नहीं, बट जो आपने बोनस एपिसोड में फिर एक मारी है ना जो काटा है हमारा, अगर इस तरीके से काटा है तो आप चौथा बंद कर दो, और अगर चौथा ला रहे हो तो आपके लिए डू और डाई होगा चौथा वाला सीजन, उसके बाद अगर वो भी बेकार निकला आगे बंद है मिर्जापुर। टेक केयर, बाय बाय।